इन वीडियो ऑफ काइंडस ऑफ नाउंस आई हैड डिस्क्राइब काउंटेबल नाउंस इसके अलावा भी हमने पढ़े थे उसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि काउंटेबल नाउन्स और दो नाउन्स जिनको काउंट किया जा सकता है और उन्हें उनके जैसे पेन का प्लूरल पेंस हो सकता है और उनके सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म दोनों होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये द फॉलोइंग नाउंस विच आर ऑफन यूज इन एक्डेमिक राइटिंग आर अकाउंटेबल आइडिया आइडियाज़ चैप्टर chapters method methods इफेक्ट effect, इफ़ेक्ट्स issue issues इन सब के प्लूरल बनाए जा सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है यू हैव आई बेसिकली आपको डिफरेंस करवाना है अनकाउंटेबल और काउंटेबल का सो अनकाउंटेबल आर दोज नाउंस विच कैन नॉट बी टर्नड इन टू अ प्लूरल फॉर्म एंड इसीलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहता है इन्फॉमेशन को आप इन्फॉर्मेशन्स कर दें वो गलत होगा नॉलेज़ गलत हो जाएगा मशीनरी मशीनरी एंड एडवाइस मशीनरी को भी आप प्लुरल नहीं करेंगे मशीनरीज़ नहीं करेंगे उसके उसके लिए एक एडिशन किया जाएगा आइटम्स ऑफ मशीनरी एडवाइस गलत हो जाएगा रिसर्च Research, रिसर्च नहीं होगा लिटरेचर्स uh, गलत होगा सो दीज़ आर अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको प्लुरल में नहीं किया जा सकता ग्रेट डील ऑफ रिसर्च ऑन नेचर ऑफ एड्स हैज़ बीन कंडक्टिड रिसर्च इज़ अनकाउंटेबल और ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते और इसको प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते सो so, इसको प्लुरल में चेंज करने के लिए हमें uh, कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं एंड डेट इज़ रूल फॉर अनकाउंटेबल नाउन दे हैव नो प्लूरल बट इफ़ दे आर टू बी चेंज इन टू अ प्लूरल सेंस फिर उनमें एडिशन किया जाता है बिट पीस आइटम्स का फॉर एग्ज़ाम्पल एडवाइस को अगर प्लूरल बनाना है ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ़ एडवाइस फर्नीचर ही बॉट मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर ही बॉट मैनी फर्नीचर्स गलत हो जाएगा ये मिल्क ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क या ही बॉट मैनी बॉटल्स ऑफ मिल्क सो मिल्क को मिल्क नहीं करेंगी अनकाउंटेबल नाउन है इन्फॉर्मेशंस नहीं करेंगी हीव मी मैनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं ही एट मैनी ब्रेड्स गलत होगा ही एट मैनी लोव्स ऑफ ब्रेड ग्रास देर आर मैनी ब्लेड्स ऑफ ग्रास ग्रासिस नहीं होगा वीट्स नहीं होगा देर आर मैनी ग्रेन्स ऑफ वीट सॉरी वीट इन दैक ग्रेंस ऑफ वीट